हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, पार्ट 7, क्लास 9, चैप्टर 13। आज हम डिस्कस करेंगे कोन के बारे में। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस एंड हाइट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या होगा राइट सर्कुलर कोन का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो क्या क्या चाहिए ना हमें उसके वॉल्यूम के लिए, आर और एच जो हमें गिवन है। आर है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट है हमारी 7 सेंटीमीटर। पुट कर लीजिए, वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, 6 × 6 एच 7, 7 × 7 3 = 2, 6 × 12 12 × 24 और 2 × 6 cm³ क्या आ गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है, वॉल्यूम ऑफ राइट एंगल राइट सर्कुलर कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके लिए हमें आर और एच गिवन होगा, तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल इज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए तो हमें एच चाहता है, तो सबसे पहले हम यहां से क्या निकाल लेंगे, एच। एच क्या होता है, देखो हमें पता है एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां से एच स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर का रूट इज एच। एच इज 25 का स्क्वायर होता है 6 × 5 = 49, 15 से 9 गया 6, 11 से 4 गया 7, 5, ये किसका होता है स्क्वायर रूट, एच इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसका, ये सिलेंड्रिकल कोन का, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर इज 7, एच इज 14, 7 से 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 7 × 14, 7 × 14 और 1 = 15, 14 × 4 = 56, 14 × 5 = 70, 14 × 1 = 14 और 7 = 21, 21 × 5 = 6/3, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 24, ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। ओके, तो जब स्लैंट हाइट गिवन है तो हम हाइट को ऐसे निकालेंगे, स्लैंट हाइट का स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाइट निकल जाएगी। अब वॉल्यूम में पुट कर देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर भी है एच भी है, वॉल्यूम निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 1570, वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रेस, क्या निकाला हमने रेडियस। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर जो गिवन है 1570। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर हमें निकालना है, एच इज 15 1570। ओके, 3 × 5 = 15, आर स्क्वायर इज 1570
फाइव वन जा फाइव, टू फाइव फोर जा, ठीक है, टू छे टू वन जा टू, टू फाइव जा टेन, टू सेवन जा टू वन जा टू, वन टू फाइव जा टेन, टू सेवन जा फोर्टीन, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेवन सेवन जा सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, फोर सेवन फाइव जा थर्टी फाइव और फोर थर्टी नाइन, थ्री सेवन वन जा सेवन और थ्री टेन बाय में इलेवन, ओके यहाँ से आ क्या गया हमारा वन जीरो नाइन बाय नाइनटी नाइन बाय में इलेवन का रूट। और इसमें उसने गिवन है पाई की वैल्यू, अगर वो गिवन करता है, अगर नहीं गिवन करता है तो ऐसे निकालेंगे, अगर वो देता है पाई इज 3.14 तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1 बाय 3 पाई आर स्क्वायर एच इज 1570, ठीक है, आर स्क्वायर एच गिवन है हमारा 15, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, आर स्क्वायर इज 1570 डिवाइड में 314 इंटू में 5, फाइव से फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव वन जा फाइव, टू फाइव फोर जा 70, कैंसल हो गए, कितना है 100, पॉइंट लगाने के नाम का आर इज 10 सेंटीमीटर, ओके। अगर वो आर गिवन करता है 3.14, पाई गिवन करता है 3.14 तो हम आर ऐसे निकाल लेंगे, अगर वो पाई गिवन नहीं देता तो आर ऐसे निकलेगा, ओके। हम दोनों तरीके से कर लिया हमने। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 78 सेंटीमीटर, रेडियस कितना जाएगा यहां से 14 सेंटीमीटर, फाइंड हाइट ऑफ द कोन, हाइट कैसे निकलेगी, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज 9856, यहां से आप एच निकाल लीजिए 9856 इंटू में 7 थ्री बाय में 14 14 72, 7 टू जा 14, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू फोर जा एट, इलेवन से इलेवन, टू जा ट्वेंटी टू, इलेवन फोर जा फोर्टी फोर, इलेवन टू जा ट्वेंटी टू, इलेवन टू जा ट्वेंटी टू, इलेवन फोर जा फोर्टी फोर, अब फिर टू से सेवन से कर लीजिए, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, सेवन टू जा और टू से आया हमारा 16 सेंटीमीटर आ गया हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या होती है हमारी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर इज 14 का स्क्वायर, एच इज 16 का स्क्वायर, एल 14 का स्क्वायर इज 196, 196 और 16 का स्क्वायर इज 256, प्लस कर लीजिए आप इसको 66 12, 10 और 5 15, 3 और 4 66 12, 1 10 और 5 15, 1 3 और 1 452, ठीक है, स्लैंट हाइट, इसको पॉइंट्स में निकाल लेना। नेक्स्ट इज
बार रिवाइज कर लीजिए इसे। वॉल्यूम दिया है 9856, डायमीटर गिवन है 28, रेडियस कितना गया से 14, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज 9856। एच आ जाएगा यहाँ से 9856 इंटू 7 इंटू 3 बाय में 14 32। ठीक है, कैंसिल किया हमने, 7 2 14। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 4 8, 2 9 18, 2 2 4, 2 8 16। फिर इसको फिर जो हमने 2 से डिवाइड किया, 7 से कैंसिल किया, 2 से किया, 2 2 4, 2 4 8, 2 6 12, 2 4 8, 11 से किया हमने, 11 2 22, 2 11 2 22, 4 11 4 44। फिर हमने 7 से कैंसिल किया, 7 3 21, 1 7 2 14, 2 6 16, हाइट आगे 16 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट क्या होती है, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, आर इज 14, एच इज 16, इनका स्क्वेयर करके स्लैंट हाइट निकाल लिया हमने। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज क्या होता है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, आर गिवन है, पाई गिवन है, एल पॉइंट्स में निकाल लेते हैं हम, 4 5 2, 2 2 4, 2 का गया 4, 1 1 1 42, 4 3 12, 3 ये बना देंगे हम। ठीक है, 21.3, 72 7, आर इज 14, एल इज 71.3, 7 2 14, 44 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 4 3 12, 4 1 4 1 5, 4 2 8, 2 7 9 3, 9372 इज कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, हो गया। वॉल्यूम गिवन है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है तो हम उसका रेडियस बना लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम में यूज कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच आ गया, स्लैंट हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब एल आने के बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, वो होता है पाई आर एल, एल निकल गया, आर है, आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। लास्ट इज ए राइट सर्कुलर ट्रायंगल एबीसी विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज ऑब्टेन्ड, रिजॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज 22/7, आर इज 5, एच इज ट्वेल्व। सोल्व कीजिए से, 3 4 12, 4 5 20, 2 5 10, 22, 7 7 3 21, 1 7 1 7, 3 7 4 28, 7 2 14, ये हमारा जाएगा वॉल्यूम। ठीक है,
क्या एक ट्रायंगल है, उसकी ये साइड्स गिवन है, हमें वॉल्यूम्स निकालना है। वॉल्यूम होगा 1/3 πr² h, r ये है, h ये है, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।